हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। नवरात्रि का फेस्टिवल आ चुका है। इस फेस्टिवल में बहुत से लोग व्रत में सिंपल और हल्का खाना पसंद करते हैं, तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे आप व्रत में इजीली बनाकर खा सकते हैं। इसका नाम है साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप साबूदाने को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। अगर आप इसे सुबह में बना रहे हैं तो आप ओवरनाइट के लिए इसे फूलने के लिए छोड़ दें। तो इस तरीके से 5 से 6 घंटे के बाद देखिए हमारा साबूदाना हल्का फूल गया है। तो मैंने इसे अच्छे से धोकर इसका पानी छान लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हो। रिफाइंड ऑयल को हम थोड़ा सा हीट होने देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा जीरा। खड़ा जीरा को 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए आलू। यहाँ पे मैंने कच्चे आलू का यूज किया है। आप चाहो तो उबले हुए आलू का भी यूज कर सकते हैं। इससे खिचड़ी इंस्टेंट और जल्दी बन जाएगी। ऐसे मैंने इसे जो चॉप किया वो फाइनली चॉप किया है, तो इसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कच्चा आलू इसमें डाल के हम 2 से 3 मिनट पहले इसे अच्छे से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिएगा कि आलू का कलर हल्का चेंज होने लगा है। तो इसमें हम डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है खिचड़ी में। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें साथ ही डाल देंगे मूँगफली के दाने। ये हम मैंने कच्चे मूँगफली के दाने लिए हैं। अब हमारा आलू और मूंगफली के दाने दोनों को साथ में ही चलाते हुए हमें गोल्डन कुक करना है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मैं इसमें बस आलू जितना ही नमक डाल रही हूँ ताकि आलू जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब नमक डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आलू का कलर और बादाम का कलर हल्का गोल्डन होने हो गया है। और ये देखिए हमारे आलू कुक भी होने लगे हैं। इसमें आराम से स्पैचुला जो है वो चला जा रहा है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 80% कुक है। इसी बीच हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। ये मैंने 2 पीस ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ। अब इन सबको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अदरक और हरी मिर्ची से जो खिचड़ी में स्वाद है वो काफ़ी खुल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। जब हम देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद कि हमारा आलू का जो कलर है वो हल्का गोल्डन होने लगा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये मैंने 2 पीस टमाटर को चॉप करके डाला है इसमें। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से कुक करेंगे जो टमाटर है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं आप कि हमारा टमाटर और आलू दोनों का कलर चेंज हो गया और दोनों हल्का हल्का सॉफ्ट हो गए हैं। तब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून और नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 कप जितना पानी डालेंगे ताकि जो साबूदाना और आलू है हमारा वो थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट होके कुक हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे लीड से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और हमारा साबूदाना खिचड़ी भी बन के रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साबूदाने का हर दाना कितना खिला खिला है, कोई भी एक दूसरे में चिपका नहीं है। इसका एक यही रीज़न था कि साबूदाने को हमने पहले से 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करें। देरी किस बात की, चलिए गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल और इजी व्रत वाले साबूदाने बनकर एकदम रेडी है। आप इसे ज़रूर इस नवरात्रि पर बनाकर खाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।